हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है कोहड़े की सब्जी। ये कोहड़े की सब्जी झटपट बन जाती है, खाने में लाजवाब होती है। इसे बहुत लोग सीताफल भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे कोहड़ा ही कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे आप रोटी पूड़ी पराठा चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए 500 ग्राम कोहड़ा लिए हैं। आप चाहें तो बड़ा कोहड़ा में से भी कटवा के आधा किलो ले सकते हैं, या जितना आपको पकाना हो उतना ले सकते हैं। अब कोहड़ा को इस तरह से हम काट लेंगे, बड़ा बड़ा पीस काट लेंगे तो छिलने में आसानी होती है। चाहे तो इसे आप चाकू से छिल लीजिए या छिलनी से छिल लीजिए, या तो बगैर छीले भी कोहड़ा की सब्ज़ी बना सकते हैं। बहुत लोग छील के पकाते हैं, बहुत लोग बगैर छीले पकाते हैं। वो आपके पसंद के ऊपर है कि आप कैसे इसको पकाएंगे। छोटे छोटे पीस में कोहड़ा को काट लेंगे और इसको धो के रेडी कर लेंगे। कोहड़ा कट गया है और धुल के भी रेडी हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ सब्जी पकाने के लिए। गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे। गर्म कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। हम सरसों के तेल में पकाएंगे, क्योंकि सरसों के तेल में कोहड़ा की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब पचफोरन ले लेंगे। पांच चीज़ों से मिलके पचफोरन बनता है, सौंफ, जीरा, सरसों, मंगरेल, मेथी। इन सभी चीज़ों को गरम आयल में डाल देंगे। पचफोरन से कोहड़े की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। पचफोरन चटकने लगा है, एक सूखी मिर्ची डाल दिए, दो कली लहसुन का छिलके डाल दिए, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल देंगे, एक छोटे साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। बहुत देर तक प्याज को नहीं फ्राई करना है, गोल्डन कलर का नहीं करना है, इसको हल्का गुलाबी कलर का करना है। गुलाबी कलर का प्याज हो गया है, अब जो काट के धुल के रखे थे कोहड़ा को डाल देंगे और 3-4 मिनट तक कोहड़ा को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तेल के साथ। इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, कोई चीज़ें नहीं डालेंगे, इसको सिर्फ इसी तरह फ्राई करेंगे पचफोड़न के साथ। कोहड़ा को फ्राई होते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं, ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये तीखी वाली मिर्ची है, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। नमक भी 1/2 चम्मच से कम ही डालेंगे, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा, जिससे कि नमक तेज ना हो। मसालों को 4-5 मिनट तक सब्जी के साथ भून लेंगे, बहुत देर तक नहीं भूनना है। मसालों से खुशबू आने लगता है तब तक भूनते हैं इसको। कोहड़ा थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा था, इसको सुखा लिए हैं, अच्छे से भून लिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, छोटी कटोरी से एक कटोरी डालेंगे, जिससे कि कोहड़ा गल जाए अच्छे से। वैसे गलने में बहुत टाइम नहीं लेता है, इसे ढककर 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो गया, अब इसको देख लेते हैं। अभी तो सब्जी में पानी है, अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और पानी को सुखा लेते हैं। पानी सूख जाएगा तो सौंधा कोहड़ा की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। पानी सूख गया है, देखिए पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको 3-4 मिनट तक और अच्छे से हम भून लिए हैं। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, धनिया को मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। सब्जी पक के रेडी हो गया है, अब इसको सर्व करेंगे। तो इस तरह से हम सब्जी की प्लेटिंग कर लेते हैं। झटपट ये सब्जी बन के रेडी हो गई है। एक बार टेस्टी सब्जी आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।